सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी मुख्य बड़ी खबरों में स्वागत है। तो बहनों, आज हम बात करेंगे सरकार के उन पांच मुख्य मांगें जो उनके द्वारा पूरी की गई हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। आंगनबाड़ी बहनों की मुख्य पांच मांगें हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहली मांग से। जी हाँ, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को सरकार रिटायरमेंट होने पर 1,25,000 रुपये देगी। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिटायरमेंट होने पर जब वह 63 वर्ष में रिटायरमेंट होंगी तो उनको एक मुश्त 1,25,000 रुपये दिया जाएगा। अब इसी के साथ हम बात करें मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रही, जो आदेश जारी हुआ है सरकार की तरफ से, कि आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को 1,00,000 रुपए की नगद राशि का भुगतान किया जाएगा। मतलब कार्यकर्ताओं को 1,25,000 और मिनी बहनें तथा सहायिकाओं को 1,00,000 रुपए रिटायरमेंट होने पे दिया जाएगा। हालांकि यह मांग और ज़्यादा की होनी चाहिए, कम से कम 3 से 5 लाख रुपए दिया जाए, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद कार्यकर्ता बहनों के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा यही रहेगा। पेंशन भी देनी चाहिए और रिटायरमेंट की इस राशि को और बढ़ा देना चाहिए। हालांकि बहनों, हम दूसरी मांग पे भी चलते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2,00,000 तक का बीमा किया जाएगा। जी हाँ, यह भी आदेश जारी हो गया है। आने वाले नवंबर माह तक जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का बीमा शुरू हो जाएगा, जिसमें वर्ष में 434 रुपये किस्त के रूप में प्रीमियम भुगतान के रूप में कार्यकर्ता बहनों के उनके सहमति से बीमा का जो शुल्क रहेगा वह काटा जाएगा। हम बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का जो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है कि बीमा होगा, जो कि 2,00,000 रुपए तक का रहेगा। मतलब कि स्वास्थ्य ड्यूटी पर रहते हुए आंगनबाड़ी बहनों का स्वास्थ्य या दुर्घटनावश, भगवान न करे किसी भी कारणवश, अगर मृत्यु हो जाती है तो कार्यकर्ता बहनों को 2,00,000 रुपए का उनके परिवार में मदद दी जाएगी। यहाँ पे सिर्फ कार्यकर्ता बहनों के लिए ही नहीं है, यह 2,00,000 का बीमा मिनी कार्यकर्ता बहनों, सहायिका बहनों तथा कार्यकर्ता बहनों तीनों लोगों का बीमा किया जाएगा। वहीं पर कार्यकर्ता हों, सहायिका हों या मिनी बहनें हों, अगर दुर्घटना में आंशिक अपंगता होती है, हाथ पैर टूटने, विकलांग होने या लकवा मारने की ऐसी स्थिति में बहनों को 1,00,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इस चीज़ का भी आदेश जारी हो चुका है और यह बीमा जल्द से जल्द, जहां तक है, नवंबर माह से होना शुरू हो जाएगा सभी आंगनबाड़ी बहनों का। बहनों, अब हम बढ़ेंगे तीसरी मांग के ऊपर। बहनों, चैनल से जुड़े रहने के लिए, जिन बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाली आंगनबाड़ी की सभी खबरें आपको टाइम पे मिल जाएं, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं बहनों, अब तीसरी मांग जो अभी तक पूरी हो चुकी है, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का मानदेय अभी 14,000 रुपए है। जी हाँ, अगर कई बहनें यह भी कमेंट करके पूछेंगी कि सर, आप यह किस राज्य की खबर हमको बता रहे हैं, तो हम बता दें यह जो खबर है फिलहाल मध्य प्रदेश से ही है। जी हाँ, जहाँ पर मध्य प्रदेश में ही सरकार ने आदेश जारी किया है कि 1,25,000 कार्यकर्ता बहनों को, मिनी और सहायिका बहनों को 1,00,000 रुपए जो है कि रिटायरमेंट पर मिलेगा। और हम बता दें, मध्य प्रदेश में 1,000 रुपए वार्षिक मानदेय बढ़ने के बाद 14,000 रुपए का मानदेय जो है कि अभी है। साथ ही यहां पे बहनों आप देख भी लीजिए कि साथ ही वार्षिक मानदेय वृद्धि के तौर पर हर वर्ष 1,000 रुपए की मानदेय वृद्धि की जाएगी। मतलब कि अलग से मानदेय बढ़ाने का कोई चांस नहीं है। मांग के तौर पे सरकार ने बस इतना ही कर पाई है सरकार कि हर वर्ष 1,000 रुपए का मानदेय बढ़ाएगी। मतलब सीधा सा हो गया कि
अगले वर्ष अब मानदेय 15,000 हो जाएगा, उसके अगले वर्ष 16,000, मतलब कि 1,000 रुपये करके ही मानदेय सरकार बढ़ाना चाहती है। इकट्ठा सरकार 20, 22 या 25,000 बढ़ाने के मूड में नहीं है। चौथी मांग भी बहनों हम देखेंगे जो कि पूरी हो चुकी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका तथा मिनी बहनों का जो रिटायरमेंट की आयु है उसको बढ़ाकर 60 से 63 वर्ष कर दिया गया है। मतलब कार्यकर्ता बहनें अपने इच्छा अनुसार या फिर 63 वर्षों तक बिना किसी रोक टोक के अपनी नौकरी कर सकती हैं। 63 वर्ष के बाद ही उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा और एक मुश्त उनकी जो राशि है पैसा है वह उनको दे दिया जाएगा। 63 वर्ष तक कभी कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद यह है कि इस चीज़ को बढ़ा के 65 वर्ष भी कर दिया जाए। यह आपके आधार कार्ड के हिसाब से ही बहनों तय होगा कि आधार कार्ड के हिसाब से जब आपका 63 वर्ष पूरा होगा आपके ड्यूटी के कार्यकाल का तब आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा और एक मुफ्त आपको जो राशि है वह दिया जाएगा। उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द बहनों की पेंशन वाली मांग भी पूरी हो ताकि बहनें जब 63 वर्ष की आयु के बाद रिटायर हों तो उनके लिए एकमात्र पेंशन का सहारा तो कम से कम रहे ही। पांचवी मांग बहनों हम देखेंगे जो कि अभी तक सरकार के द्वारा पूरी की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को जो साड़ी के ड्रेस का अब 1,500 रुपये उनके खाते में डाला जाएगा। हम बता दें कि इससे पहले यह जो राशि थी मात्र 800 रुपये थी और हर 6-6 महीने में या तो ड्रेस बदल जाता था, साड़ी बदल जाती थी उसका रंग, या फिर हर 6-6 महीने में नई साड़ी खरीदनी पड़ती थी जो कि 800 रुपये में मात्र नहीं आ सकती थी क्योंकि साड़ी का रेट ही 500-600 रुपये एक बार का था तो 800 रुपये में साड़ी कैसे आती। तो जिसके लिए 800 की जो राशि है साड़ी ड्रेस के लिए उस राशि को बढ़ा के 1,500 रुपये कर दिया गया है जो कि हर वर्ष के नवंबर में आपके खाते में आ जाया करेगी। बहनों अब यहाँ पे यह तो कुछ ऐसी मांगे हुई जो कि पूरी हुई, साथ ही साथ कुछ मांगे हम आपको बता दें जैसे कि मानदेय में वृद्धि करके 20 से 25,000 रुपये करना या फिर इसके साथ साथ पेंशन की सुविधा आंगनबाड़ी बहनों को देना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनों को सरकारी कर्मचारी जो है कि घोषित करना, यह अभी कुछ ऐसी भी मुख्य मांगे हैं जो कि पूरी नहीं हुई हैं। इसमें हम देखते हैं कि सरकार कब तक मांगों को पूरा करता है। तो बहनों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके कोई भी सवाल हो, जवाब हो, कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे बहनों पूछ सकती हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ बहनों हम मिलेंगे आंगनबाड़ी की अन्य मुख्य और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।